आईपीएल 2025 में एमएस धोनी को खिलाने के लिए चेन्नई सुपर किंग्स अपना हर हथकंडा अपना रही है। सीएसके ने बीसीसीआई और फ्रेंचाइजी मालिकों के साथ हुई बैठक में साल 2008 से 2021 तक चले एक पुराने नियम को लागू करने का सुझाव दिया है। जी हां, इस नियम के तहत 5 साल से अधिक समय से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके खिलाड़ी को अनकैप्ड रखने की मांग की गई है। आईपीएल 2025 में एमएस धोनी को एक अनकैप्ड खिलाड़ी के रूप में रखने पर सनराइजर्स हैदराबाद की मालकिन काव्या मारन ने आलोचना की है। जी हां, मारन ने कहा कि ये धोनी का अपमान होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि ये एक गलत मिसाल होगी। काव्या मारन ने धोनी को अनकैप्ड खिलाड़ी के रूप में नीलामी में रखने के सुझाव पर नाराजगी जाहिर की है। गौरमतलब हो कि आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन पर बीसीसीआई ने फ्रेंचाइजियों के मालिकों के साथ बैठक की। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण नियमों पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान सीएसके ने बीसीसीआई को एक सुझाव दिया कि यदि कोई खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से 5 या उससे ज़्यादा समय से संन्यास ले चुका है तो उसे एक अनकैप्ड खिलाड़ी के रूप में ऑक्शन में शामिल किया जाए। इस पर काव्या मारन ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि एक रिटायर खिलाड़ी को अनकैप्ड खिलाड़ी के रूप में बनाए रखने की अनुमति देना उस क्रिकेटर के साथ साथ उनके मूल्य का अपमान करना होगा। अगर नीलामी में खरीदे गए किसी अनकैप्ड खिलाड़ी को अनकैप्ड खिलाड़ी के रूप में रखे गए पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी से अधिक भुगतान किया जा रहा है तो ये एक गलत मिसाल स्थापित होगी। बता दें कि एमएस धोनी के आईपीएल 2025 में खेलने को लेकर क्रिकेट फैंस के बीच चर्चा चल रही है। ऐसे में सीएसके भी अपने पूर्व चैंपियन कप्तान को टीम में बरकरार रखने को हर हथकंडे अपना रही है। इसी के चलते बैठक में सीएसके ने बीसीसीआई को 2008 से 2021 तक चले पूरे नियम को बाहर करने की सिफारिश की। हालांकि आखिरी निर्णय बीसीसीआई को करना है।